पूरा पंजा दबा दिया मैंने। वो बहुत सही है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा ये वीडियो ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, सामने स्ट्रेट स्ट्रेच है और मुझे ध्यान रखना पड़ेगा आगे पीछे से कोई गाड़ियाँ वगैरह तो नहीं आ रही। बहुत मतलब जो बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं ना उन पे वो 0 to 100 टेस्ट करते हैं ड्राइवर का क्या सब हर एक गाड़ी का करते हैं वो 0 to 100, 0 to 50, 0 to 60। तो इस रोड पर 0 to 100 तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि जितना ज़्यादा हो पाए उतना ज़्यादा मैं दिखा पाऊँ कि मतलब इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, मतलब कितना क्या स्पीड है इसकी एक्सेलरेशन की, ठीक है, और कितनी देर में कितने सेकंड्स में कितनी स्पीड गेन कर लेती है। मैं कुछ वो नहीं डालूंगा, क्या कहते हैं उसको, मतलब टाइमर तो नहीं आया है यहाँ पर, टाइमर तो नहीं है, लेकिन मैं जब वीडियो एडिट करूँगा और जब मैं वीडियो डालूंगा अपलोड करूँगा तो मैं एट दी एंड आपको सब बता दूंगा कि 0 to 60 या जितनी भी ये स्पीड में गई थी कितना टाइम इसने लिया था। तो कार को लगाते हैं साइड, पहले पीछे से बाइक आ रही है इसको जाने देते हैं, कार को साइड पे लगा करके फिर पहले हम सीधे, मैं कुछ नहीं करूंगा 0 to 50, 0 to 60, मैं बस सीधे वो जो लास्ट स्ट्रेच है ना वहां तक मैं कार को लेके जाऊंगा और सीधे सिर्फ देखूंगा कि कितनी देर तक ये कितनी स्पीड इसने गेन करी और वो स्पीड इसने कितनी देर में गेन करी। तो करते हैं शुरू। और गाइस पहली बात, मैं कोई व्हील स्पिन वगैरह नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ट्रैक्शन बनाना है रोड के साथ, मैं कोई व्हील स्पिन नहीं करूंगा और इंजन पे भी मतलब दबाव पड़ता है तो वो चीज़ें मैं ट्राई नहीं करूंगा। मैं सीधे जीरो से शुरू करूंगा और उस लास्ट पॉइंट तक कितनी स्पीड पहुंचती है सिर्फ वो करूंगा। तो रोड अभी खाली है, चलते हैं 1 2 3 स्टार्ट। तो काफ़ी काफ़ी शॉकिंग था, मैंने ये चीज़ पहली बार ट्राई करी है और काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। टाइम आपको पता चल गया, ठीक है, गाड़ी की आपने आवाज़ भी सुन ली, गाड़ी की आपने सब कुछ चेक कर लिया कि कितना इसने वो परफॉर्म किया। एक चीज़ बोलूँ, जैसे ही मैंने शुरू किया ना आगे से स्विफ्ट डिज़ायर थी और बिल्कुल आगे बिल्कुल अपोजिट साइड पे थी, बिल्कुल रॉन्ग, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत थी, बहुत ज़्यादा गलत थी। क्योंकि एक तो मैं स्पीड टेस्ट कर रहा था, हालांकि मेरी गलती है, मुझे ऐसे रोड पे ये टेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी बिल्कुल गलती थी। उसको पता था कि आगे से कार आ रही है और मैंने अपनी स्पीड भी कम कर दी थी, मतलब जो एक्सेलरेशन थी ना आप चेक करना वो कम हो गई थी और मैंने जानबूझ के कम कर दी थी क्योंकि आगे से गाड़ी आ रही थी, और वो फिर भी साइड नहीं हट रहा था और मैं डिपर नहीं दे पाया क्योंकि मैं एक हाथ से शूट कर रहा था। तो ये चीज़ आपने चेक कर लिया होगा नीचे कि क्या स्पीड आई, वो मैं देख करके जब एडिट करूंगा तो आपको मतलब वो चीज़ मैं डाल दूंगा। अब कार को रिवर्स करते हैं और वापस चेक करते हैं। ये रहा सामने स्ट्रेच है, ठीक है, डालता हूँ कार को फर्स्ट गियर में। अब सामने भी ध्यान, अब ज़्यादा स्पीडोमीटर पर ध्यान रखना, मैं चलाने में ध्यान दूंगा और देखते मेरे ख्याल से 70 तक तो कार पहुँच जाएगी आराम से। करते हैं कार को शुरू, 1 2 3 गो। तो ये था गाइस इसका सेकंड, मतलब जो इसका सेकंड, मैं एक चीज़ बोलूँ, मैंने ये चीज़ कभी ट्राई नहीं करी है, लेकिन एक बात है कि इस इंजन की ना रेवेबिलिटी बहुत सही है। ये इंजन साउंड प्रोड्यूस करता है लेकिन इसकी जो रेवेबिलिटी है ना वो बड़ी सही है। मतलब अब आपने देख लिया फर्स्ट गियर में कितनी गई, सेकंड गियर में कितनी गई, फिफ्थ गियर तक तो मैं इसको ला नहीं पाया, और मेरे ख्याल से मेरे को ये भी ध्यान नहीं है कि थर्ड गियर तक लास्ट मैंने इसको लाया कि फोर्थ गियर तक इसको मैं लास्ट लाया। तो एक चीज़ है मतलब कि रेवेबिलिटी बहुत है, मतलब आवाज़ इंजन करता है लेकिन उसके हिसाब से ना, जैसे लोग कहते हैं ना कि आवाज़ के हिसाब से इंजन परफॉर्म नहीं करता, मुझे ये चीज़ बिल्कुल गलत लगी। ये चीज़ नहीं है, इंजन अपनी जितना आवाज़ इंजन मतलब प्रोड्यूस करता है ना उसी के हिसाब से इंजन उतनी मतलब परफॉर्मेंस भी देता है। और उससे बड़ी बात पता है क्या है, जिस स्ट्रेच पे ना मैंने इसको परफॉर्म किया ना वहाँ पे ना मतलब बिल्कुल स्ट्रेट नहीं था, उल्टा इंक्लिनेशन थी, तो मतलब कार ने आउट परफॉर्म किया है, मेरे को जिस हिसाब से लगता है कार ने आउट परफॉर्म किया है। भाई एक चीज़ बोलूँ, एक तो जब ये चीज़ ट्राई करते हैं लोग ऐसे देखते हैं ना, मतलब मैं क्या बताऊँ। चलो फिर भी अब आपके लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो एंजॉय करो इस चीज़ को, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को पूरा देखो, यही चीज़ है। अब कार को ना वापस करते हैं। अच्छा अब मैं एक चीज़ क्या टेस्ट करता हूँ, इसकी इन गियर एक्सेलरेशन। अच्छा दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ तो होती है कि आपने कार को, जैसे कार ऐसे बिल्कुल स्टेशनरी है और आपने स्टेशनरी चेक कर लिया 0 to 60, 0 to 80, आपने स्टेशनरी चेक कर लिया, एक चीज़ तो वो होती है, एक चीज़ होती है इन गियर एक्सेलरेशन। लाइक मैं सेकंड गियर पे हूँ और सेकंड गियर से ही मतलब मैं कार को उठा रहा हूँ, मतलब कार पहले ही चल रही है और सेकंड गियर पे है और सेकंड गियर की लोएस्ट स्पीड पे है, तो सेकंड गियर की लोएस्ट से सेकंड गियर की हाइएस्ट पे कितना परफॉर्म करती है कार, मतलब कि कितनी देर में। अब वो चीज़ चेक करते हैं, उसी स्ट्रेच पे वापस चलते हैं और वो चीज़ चेक करते हैं। तो अभी जा रहा हूँ मैं वापस से उसी स्ट्रेच में,
बस मैं ये विश करता हूँ कि कोई कार ना हो वहाँ पे चल रही, या आगे से या पीछे से कोई कार ना आए। तो पहले मैं चेक करूँगा थर्ड गियर में, मैं थर्ड गियर में इसकी जो है इन गियर एक्सेलरेशन जो इसकी है चेक करने वाला हूँ। और वो चलाते चलाते ही अभी तो फोर्थ में है, वहाँ पे अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं, पहले वहाँ पहुँचते हैं और थर्ड गियर में रखूँगा कार को मैं, और फिर चेक करूँगा कि इसकी क्या इन गियर एक्सेलरेशन आती है। तो गाइज ये वो स्ट्रेच आ गया है, मैं कार को पहले ही अभी फोर्थ में है, अब इसको ले लेता हूँ, थर्ड गियर में है ठीक है, और चलते हैं। मैं चेक करूँगा इसकी 30 से, मतलब कि कार की थर्ड गियर में 30 से कितनी इसकी एक्सेलरेशन हाई जाती है। 30 है, मैं 30 पे रखूँगा इसको, 30 पे है, और यहाँ पे होता है स्ट्रेच शुरू ठीक है, 29, 30 पे है, 30 से अब शुरू करते हैं। मैंने पूरा पंजा दबा दिया है, पूरा पंजा दबा दिया मैंने, वो बहुत सही है गाइस। मैं आपको पहले बताता हूँ, इन गियर एक्सेलरेशन है इसकी बहुत सही है, मुझे बहुत सही लगी। मतलब थर्ड गियर में 30 से कितना 80 पहुंच गई, ये पता नहीं 75 कुछ पहुंच गई, 70 पहुंची शायद, सही था। मतलब कि इतने कम सेकंड में, मतलब टाइम तो इसने बहुत कम लिया, इतना मेरे को पता चल गया, टाइम बहुत कम लिया और स्टेबिलिटी भी कमाल की शो करी, ये चीज़ तो माननी पड़ेगी। मतलब सही था, बहुत ज़्यादा सही था। मतलब ये चीज़ है, ये कार है ठीक है, और ये कार आपको क्या क्या दे रही है, हर चीज़ तो दे रही है। मतलब कि इतनी सही इन गियर एक्सेलरेशन सब कुछ दे रही है। साइड पर पार्क करते हैं इसको और फिर बात करते हैं। बस एक चीज़ थी मेरे को जो परेशान करी, वहाँ से लेफ्ट साइड के जो इसका शॉकर है उससे आवाज़ आ रही है, मेरे ख्याल से वो थोड़ा आवाज़ वगैरह कर रहा है। तो कार को मैंने कर दिया है बंद। तो मैंने कितने अटैम्प्ट करे, शायद से दो अटैम्प्ट करे मैंने स्टेशनरी के, और एक अटैम्प्ट करा मैंने इन गियर एक्सेलरेशन का। जो इन गियर एक्सेलरेशन है गाइज, ये मैंने जस्ट ट्राई करी है। इन गियर एक्सेलरेशन पे मैं एक और वीडियो लाऊंगा, उसके लिए स्टे ट्यून्ड, और वो जो इन गियर एक्सेलरेशन होगी वो मैं ट्राई करूंगा सेकंड गियर में 20 से कितनी तक जाती है ठीक है, थर्ड गियर में 30 से लेकर कितनी तक जाती है, वो कितने तक जाती है। तो उसके लिए मैं एक अच्छा सा स्ट्रेच चुनूंगा जहाँ पे कोई कार वगैरह ना हो। हालांकि यहाँ पे भी बहुत सही हो गया और यहाँ पे भी कार ने अच्छा परफॉर्म कर दिया उसका। मैं और जो टाइमर वगैरह है वो मैं सब कुछ डाल दूंगा, आपको दिख गए होंगे अब तक वो टाइमर वगैरह के कितनी सेकंड में कहां तक गई। तो यही था गाइस इस वीडियो में, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और मतलब स्टे ट्यून्ड, अभी ऑफ रोडिंग वगैरह की वीडियोस डालनी चाहिए मेरे को, हाँ बिल्कुल वो भी डालते हैं, और इन गियर एक्सेलरेशन पे मैं अलग से वीडियो डालूंगा। तो यही था गाइस इसकी एक्सेलरेशन के बारे में। मतलब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो लोग हैं ना, मतलब आप बड़े बड़े चैनल्स देखते हो उन पे ना, वो बहुत प्रोफेशनलिज्म होते हैं, और कभी भी जो हम जैसे मीडियम क्लास के लोग हैं ना, तो वो मतलब उसको प्रोफेशनलिज्म को चूज नहीं करते हम लोग उनको। हम जैसे कार चला रहे हैं इन इलाकों में, चला रहे हैं सिटीज़ में, चला रहे हैं हाईवेज पे, चला रहे हैं, तो हम जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कार का देखते हैं, और जो वो चीज़ करते हैं ना लोग, वो प्रैक्टिकल नहीं होता। वो लोग क्या करते हैं, मतलब वो लोग व्हील स्पिन करेंगे। आप लोगों ने कभी व्हील स्पिन करा हाईवे पे, इन इलाकों पे कभी व्हील स्पिन करा? नहीं करा ना। लेकिन जैसे मैंने हार्ड एक्सेलरेशन करी, आप लोगों ने ये चीज़ करी ना, तो हम लोग हैं जो ये कार खरीद रहे हैं, चाहे ये नहीं कोई सी भी कार खरीद रहे हैं, हम लोग ये चीज़ें देखते हैं, व्हील स्पिन नहीं देखते। हम लोग 0 to 100 नहीं देखते। 0 to 100 में वो लोग तो 16-17 सेकंड्स में कर देते हैं, लेकिन जब हम लोग रियल लाइफ में ट्राई करते हैं ना, तो 0 to 100, मैं कहता हूँ i20 जैसी कार का भी ना 0 to 100, मतलब जितना टाइम पे कंपनी बोलती है ना, उतने टाइम पे नहीं हो पाता, क्योंकि वैसे रोड्स नहीं मिलते ठीक है, वैसा हमें एनवायरमेंट नहीं मिलता ठीक है, वैसा हमारा हैबिटेट नहीं होता। तो ये चीज़ है, और वही चीज़ जो है मैंने आपको अभी इस ड्राइवर में करके दिखाई है या दिखाने वाला हूँ। तो यही था गाइस, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, अपना प्यार मुझे दिखाते रहिए, और आपको क्या डिमांड है आप लोगों की वो मुझे बताते रहिए। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्या किस, क्योंकि अब मुझे ना पता नहीं चल रहा कि मैं इसके ऊपर और क्या वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं कि किस तरह की वीडियोज़ आपको चाहिए। तो यही था गाइस, थैंक यू।